माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है मेरी अनदर ब्लॉग वीडियो। मेरी ब्लॉग कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज है बंगला चौथ और हमको जाना है मंदिर। मैंने सोचा इवनिंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कराया जाए। तो अभी ड्रेस वगैरह निकालूंगी और फिर मंदिर चलेंगे, वहाँ का भी आपको दिखाएंगे। और इवनिंग तक की ब्लॉग तो जाएगी ही। तो वीडियोस लॉन्ग वाली थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मेरे को, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और डिवीज़ा भी है, तो दो दो लोगों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो चलिए फटाफट अपना आउटफिट निकालते हैं और फिर तैयार होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी कॉस्ट्यूम के लिए मैंने ये दो ड्रेस सिलेक्ट करी है। एक मतलब सेम ही है एक जैसी, और 0 to 1 ही मंथ की है। मतलब अभी ही कॉस्ट्यूम थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट आज पहना के देखेंगे। अगर होएगी तो एक इसमें से पहनाऊंगी, देखती हूँ ये वाला पहनाऊंगी, मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो आज मैं पहनूंगी ये वाली ड्रेस। ये मैंने सोचा था कि जन्माष्टमी के दिन पहनूंगी, बट आज ही पहन ले रही हूँ। देखती हूँ जन्माष्टमी के दिन कोई और पहनूंगी। ये मेरी पायल है, क्योंकि ना मैंने कड़ा निकाला हुआ था, पैर में पहनने वाले छड़े होते हैं ना मोटे मोटे, उस टाइप के ऑक्सीडाइज शर्ट था, मैंने उसको रख दिया ये वाला पहना। रेडी मंदिर जाने के लिए, और चलिए देखते हैं मेरी सूट। मैं आ गई थी पार्लर क्योंकि मुझे कराना था थ्रेडिंग, बहुत दिनों से कराया नहीं था, तो चेहरा थोड़ा सा अजीब दिख रहा था। चलो कितना अच्छा, अरे भाई इसको कोई उतारो, कितनी अच्छी आई है जगह। ये यहाँ का किला है और ये किले में ये मंदिर है, ऐसा मतलब बोलते हैं कि यहाँ पे राजा लोग जाते थे पूजा उजा करने। तो अभी ये मंदिर सबके लिए ओपन कर दिया गया है। जो ट्रस्ट से पैसा वगैरह इस मंदिर का आता है तो वो सारी गवर्नमेंट को जाती है यहाँ की। तो ये है गणेश जी का मंदिर, क्योंकि उस गणेश चतुर्थी है इसलिए मैं गणेश जी को दर्शन करने गई थी। और डीजा भी थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी, साथ साथ में ये कर लूँ मम्मा वो कर लूँ, इधर उधर भागना उसका सब था। और ये वाला मंदिर बहुत ही प्रचलित है, मतलब ये ऐसा मानते हैं कि शिव जी अपने से निकले हुए हैं। तो यहाँ मैंने पूजा वगैरह की और अभी कौस्तुभ को हम लोग मंदिर नहीं ले जा सकते, फिर भी क्या करें, अकेले हैं, कोई अगर घर पे देखने वाला रहता तो उसको छोड़ के जाते, मजबूरी में उसको ले जाना पड़ता है। हमें पैसे दिखा रही थी कि पंडित जी को दे दो, तो इन्होंने बोला हाँ, और ये लेके इसकी इतनी ज़्यादा शैतानियाँ हैं कि पूछिए मत, पूरा वो टोकरी फूल का लेके भाग गई वो इधर उधर। तो कौस्तुभ को लेके ये वहीं खड़े थे, तो पंडित जी ने बुला लिया कि आओ अंदर, कोई ऐसा नहीं होता है, देवी जी के मंदिर नहीं ले जाते हैं। तो ये लगा रहे थे टीका कौस्तुभ को, ये रहे ये। इसके बाद हमने शिव जी का दर्शन करा और ये अब ऊपर चढ़ गई प्रसाद के लिए कि प्रसाद दे दो मुझे, देख रही थी तो वो बाबा बोले नीचे उतर जाओ उसके बाद ही प्रसाद मिलेगा, लड्डू इतने मन से खाती है कि पूछिए मत। फिर कौस्तुभ एकदम खुश हो जाता है अगर कहीं इधर उधर घूमने जाता है तो। तो ये ऊपर का मंदिर था। मैं आ गई हूँ घर वापस और मुझे अभी करना है पूजा। और कौस्तुभ की हरकतें इतनी बढ़ गई है ना, ना परेशान करता है कि पूछिए मत। तो चलिए फटाफट से चलते हैं पूजा करते हैं। हाँ हाँ बेटा वो बहुत ही बदमाशी कर कौस्तुभ, अभी रुक जा साबुदाना। ये प्रसाद जो मैंने वहां पे चढ़ाया हुआ था
आ गए मंदिर में। घर आने के बाद मैंने दिया जलाया घर के मंदिर में, और मतलब ऐसा रहता कि पूरा टाइम काम रहता है। जो भी थोड़ा बहुत मैं शूट कर पाती हूँ आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करना करती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और बहुत सारे ऐसे ब्लॉग, अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तीज है, और ऐसे छोटे मोटे गणेश जी का भी आगमन होगा, तो कहीं अगर जाना दर्शन करना तो सबका ब्लॉग बनाऊंगी मैं। घर पे आके दिया जलाया, आरती करी मैंने, और कैमरा मैंने सामने रख दिया था कि थोड़ा सा रिकॉर्ड करके दिखा सकूं। आई होप कि आपको मेरी ब्लॉग पसंद आती हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ऐसा था गणेश चतुर्थी का वो भोग, मैंने यहाँ भी ला के रख दिया। और तो मैंने चलाया हुआ है टुल्लू, सप्लाई का पानी आता वही, बस देखने जा रहा है कि अभी चल रहा हो कि नहीं, नहीं चल रहा हो तो बंद कर दूँ।